हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, पॉलिटी से। दोस्तों, भारत का संवैधानिक विकास, ये टॉपिक जो है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन एवरी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो SSC के एग्जाम में और स्टेट PSC के एग्जाम में इस टॉपिक से पूछा जाता है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपको इस टॉपिक का PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का PDF का लिंक दिया होगा, वहां जाकर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे टॉपिक को एवरीडे देखने के लिए मेरे इस चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि ऐसा टॉपिक मैं चुन चुन करके लाता हूँ एवरीडे दोस्तों, नया नया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ताज ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1858 के अधिनियम द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समवर्ती सूची को पहली बार लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्र भारत के लिए निम्न संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कब शुरू हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेहरू रिपोर्ट से। दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट के बाद स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न शुरू हो गया था नेहरू रिपोर्ट के बाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें निम्नलिखित में से किस एक्ट के अधीन गठित की गई थी? क्या बोल रहा है दोस्तों, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें निम्न में से किस एक्ट के अधीन गठित की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारों का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था 1833 चार्टर अधिनियम के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रकाशन कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, 1918 में इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों। प्रकाशन कब हुआ था ये पूछ रहा है, तो कब हुआ था, 1918 में, और इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को ही 1919 अधिनियम कहा जाता है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो दोस्तों, संघीय शासन का बता रहा है, भारत में संघीय शासन का व्यवस्था किस अधिनियम ने दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन डी दोस्तों, जब भी संघीय का बात आया तो ऑप्शन आपका डी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 जब भी आएगा तो संघीय का बात जरूर आएगा दोस्तों, भारत में संघीय शासन का व्यवस्था 1935 अधिनियम के अंतर्गत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रांतीय विषयों का केंद्रीय विषयों से पृथक करने के लिए जिस अधिनियम में पहली बार संवैधानिक नियम बनाए गए वह था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, वह था भारत सरकार अधिनियम 1935 दोस्तों, जिसमें प्रांतियों विषयों का केंद्रीय विषयों से अलग करने के लिए पहली बार संवैधानिक नियम बनाया गया था 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन एक अधिनियम ने भारतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्ति से वंचित किया? तो दोस्तों, क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक अधिनियम है जिसके द्वारा
भारतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्ति से वंचित कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो वो कौन सा अधिनियम है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, 1833 अधिनियम के द्वारा भारतीयों को, भारतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्ति से अलग कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों यहां बात आ रहा द्विसदनात्मक, तो दोस्तों जब भी द्वि का बात आ रहा तो द्वि 219 याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा 1919। दोस्तों भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, याद रखिएगा 219 है इसलिए द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका लाया था 1919 अधिनियम ने। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया था? तो ये क्वेश्चन तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा जाता है, रेलवे में भी पूछा जाता है और जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीट बहुत ज्यादा होता है क्वेश्चन ये वाला। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया था और गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। दोस्तों पूछ रहा है कि कौन सा है जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं है इस चारों में से दोस्तों। तो आपका आंसर यहां हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था? तो मैंने आपको भी बताया दोस्तों, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ दोस्तों, जो ऑप्शन डी में आप लोग देख रहे हैं, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम, ये 1935 पर आधारित था दोस्तों, 1935 पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, महारानी की घोषणा 1858। दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद महारानी की घोषणा 1858 को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय के विषय में जो कथन सत्य है वह है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। दोस्तों ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय के विषय में जो कथन था वो सत्य था, इनमें से प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है? दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है किस नाम से? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है 20 अगस्त 1917 के सुधार की घोषणा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त यानी प्रस्तुत किया गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 3 और 4, केवल 3 और 4, यानी पंजाब, बंगाल और पंजाब। दोस्तों बंगाल और पंजाब में
1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था बंगाल और पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों किस अधिनियम में से, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा जो है भारत से अलग हुआ था। तो यहाँ आपका आंसर जो जाएगा ऑप्शन बी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से बर्मा अलग हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21वां है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। दोस्तों केंद्र का बात कर रहा, केंद्र में कौन सा एक्ट जो है द्विसदनीय विधायिका लाया। तो मैंने आपको पिछला बार भी बता दिया पिछला क्वेश्चन में कि द्वि का बात आ रहा है, तो दोस्तों 2-19 होगा, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 1919 एक्ट। 1919 एक्ट जो है दोस्तों वो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है गवर्नर जनरल को संघ में अवशेष शक्तियां दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने क्या किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने का अधिकार पर बल दिया दोस्तों, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने का अधिकार पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तरवादियों की कौन सी एक मांग मार्लो मिंटो सुधार में स्वीकार की गई। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, परिषदों के आकार का विस्तार, परिषदों के आकार का विस्तार करने में एक मांग मार्ली मिंटो सुधार में स्वीकार की गई थी, परिषदों की आकार का विस्तार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25वां है, सन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत दी गई द्वैत शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक ने परिवर्तन के लिए संस्तुति की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए साइमन आयोग। दोस्तों साइमन आयोग ने सन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत दी गई द्वैध शासन व्यवस्था में परिवर्तन के लिए संस्तुति की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए दिए थे। बहुत 1,00,000 रुपए उस समय मायने रखता था दोस्तों। तो दोस्तों ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए दिया था, कौन सा अधिनियम दिया था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी चार्टर अधिनियम 1813। दोस्तों चार्टर अधिनियम 1813 ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए दिए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद डाली थी किसने। तो आपका आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन ए दोस्तों, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद डाली थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने भारत में पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया था। दोस्तों यहां भारत आ रहा, भारत में पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया था किस अधिनियम में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 का ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29वां है, ब्रिटिश मशीनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश मशीनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 30वां देख लेते हैं, लक्षण जो 1935 के अधिनियम का तो है परंतु 1919 के अधिनियम का नहीं,
वह है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ जो है ये लक्षण है 1935 के अधिनियम का, परंतु 1919 के अधिनियम का नहीं है, अखिल भारतीय संघ। तो दोस्तों यहाँ आपका सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, आज मैंने तीसरी क्वेश्चन लाए हैं इस टॉपिक से, बाकी अगले टॉपिक में लेकर के आऊँगा दोस्तों। तो अगर आप लोग को क्वेश्चन पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा दोस्तों, ऐसे वीडियो को एवरीडे देखने के लिए, क्योंकि इस चैनल पे एवरीडे नया नया टॉपिक आता है दोस्तों, एवरीडे, इसलिए चैनल पे बने रहें। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा, स्टे होम स्टे सेफ।